जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी ने अपने कार्यालय कच्छ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि नगर पार्षद के सभी वार्डों में सैनिटाइज कराने के लिए स्प्रे मशीन उपलब्ध कराई गई है। उसी स्प्रे मशीन से सभी 25 वार्डों का सैनिटाइज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में भी स्प्रे मशीन भेजकर सैनिटाइज प्रखंड के विभिन्न गांवों में मजदूरों के हक के लिए भाकपा माले ने धरना का आयोजन किया। भाकपा माले नेता जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न गांवों में मजदूरों को संगठित कर धरना के माध्यम से मजदूरों के हक सरकार से मांग किया गया है। वहीं सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस जितेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार दोहरी नीति अपनाने में लगी हुई है। सरकार कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रवासी मजदूर बाहर में फंसे हुए भूख से तड़प रहे हैं, दूसरे तरफ फैक्ट्री व कंपनियों के मालिक मजदूरों का छटनी एवं वेतन काटने में लगा हुआ है। मजदूरों पर हो रहे शोषण के खिलाफ भाकपा माले ने आवाज उठाते हुए प्रवासी मजदूरों का सरकार से घर वापसी की मांग किया है। 19वीं शताब्दी में मजदूरों के 18 घंटा 24 घंटा काम था, उसको विरोध में मजदूरों ने लड़ाई लड़ा और मजदूर का जीत हुआ और मजदूरों ने 8 घंटा काम का जो लाइट खाना था 4 घंटा काम चाहिए 8 घंटा मजदूरों को काम मिला। आज मोदी सरकार